आप देख रहे हैं भोजपुरी में फिर डिजिटल मीडिया। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत अभिनेत्री अंजना डॉब्सन जी। तो आइए मिलते हैं इनसे। तो अंजना जी, आज बहुत ही खूबसूरत मुहूर्त हुआ बबलू की दुल्हनिया। तो इस ये कैसा पिक्चर है, कैसा कॉन्सेप्ट है और क्या रोल है आपका इसमें? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगी। जी, आज यहाँ पर स्टूडियो में बबलू की दुल्हनिया भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त हुआ है और जहाँ तक मेरे रोक का सवाल है, ये मैं करोड़ कर रही हूँ। बड़ी ही स्ट्रिक्ट, बहुत तेज तरार लड़की है वो, और जैसे कि नाक में मक्खी तक नहीं दे उस किस्म की है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। तो पहले आप में ऐसा है, बाद में जब हीरो से अफेयर ड्रामा होना शुरू हो जाता है तो फिर वो कैसी सीधी सारी और प्यारी सी लड़की बन जाती है। इस फिल्म में आपके अपोजिट कौन से हीरो हैं? आपके अपोजिट मेरे अपोजिट कर रहे हैं बॉबी, और इन्होंने पहली फिल्म की थी, उन्होंने साथ भी काम किया है। जैसे कि नाम से ही ऐसा पता चल रहा है कि बबलू की दुल्हनिया बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, तो इस फिल्म का जो जब स्क्रिप्ट आपके पास गया था तो मतलब कौन सा ऐसा वर्ड आपको अच्छा लगा कि आपको फिल्म पसंद है? देखिए, हर लड़की ये चाहती है कि कुछ फीमेल ओरिएंटेड करना, हालांकि ये फिल्म फीमेल ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। मैं दर्शकों को फिर बोलना चाहूंगी, ये बबलू की दुल्हनिया है, बबलू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये दुल्हनिया तो सिर्फ एक माध्यम है। तो दुल्हनिया, बबलू की दुल्हनिया मुझे इसलिए अच्छी लगा क्योंकि एक बबलू जिस किस्म का लड़का है, बहुत ही यू नो गांव का भोला भाला, तो ये कॉमेडी है, वैसे बहुत ज्यादा कॉमेडी है इसमें, कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म है तो रोमांस है। तो उसमें मुझे जो अच्छा चीज लगी कि बबलू की दुल्हनिया क्योंकि अजीबोगरीबी लोगों के बीच में जैसे असली डिड्रा इन बिटवीन सो मेनी लिटिल बॉक्स, तो मुझे वो लगा कि बेचारी दुल्हन जैसे अजीबोगरीबी लोग और बबलू के बीच में बात की, तो ये कुछ क्यूट और कुछ अलग लगा मुझे। तो ये फिल्म कब तक दर्शक अपने थिएटर में देख पाएंगे? देखिए, आज रिकॉर्डिंग हो रही है तो जल्दी ही रिकॉर्डिंग के बाद जैसा बाकी फिल्मों में भी होता है कि रिकॉर्डिंग के बाद शूटिंग होती है, शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन, इसके बाद बहुत जल्दी दर्शक लोग बबलू की दुल्हनिया फिल्म देखेंगे। तो कब तक इसका शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, कुछ इस मंथ में या अगले मंथ में कुछ अपने दर्शकों को बताएंगे ताकि दर्शक इंतजार करते हैं कि इतनी खूबसूरत अभिनेत्री का हम प्रोजेक्ट देख पाए? जी शुक्रिया, धन्यवाद। दरअसल क्या है कि फिल्म में बहुत हम लोग इस चीज को महत्व दे रहे हैं, जो मैं दर्शक साहब हैं और जो मेरे सिस्टर है, कि गाने मारने वाले मीनिंगफुल बने सिचुएशन के हिसाब से बने, तो उस हिसाब से यू नो काम सोच रहे हैं हम लोग, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, तो थोड़े वक्त के बाद अच्छे से फिल्म आप देखेंगे, बहुत जल्दी अच्छी फिल्म परोसेंगे, ये उम्मीद मुझे अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब लोगों से है, टीम से है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कुछ बारे में बताइए, कैसे हैं और कैसा काम चल रहा है? जी प्रोड्यूसर का जैसे अच्छी ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, सुलझी टीम है और क्रिएटिव टीम है, इसलिए मैं और भी ज्यादा, ये भी एक वजह है कि मैं इस टीम के साथ काम कर रही हूँ और मैंने इस फिल्म के हाँ कहा। मैम, इसके बाद और कौन कौन सी फिल्म आपकी आने वाली है? इस वक्त तो मैं इंग्लिश फिल्म कर रही हूँ, कॉल मी एन ऑर्फन, ये एक प्रोटैगनिस्ट यानी कि विद्रोह करने वाली लड़की की पूरी कहानी है। सो इसमें हॉलीवुड की और बॉलीवुड दोनों के आर्टिस्ट हैं, और खुशी है कि मेन सेंट्रल कैरेक्टर मैं कर रही हूँ हॉलीवुड के आर्टिस्ट के साथ भी। सबसे पहले कैंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच, वेरी थैंक्स।